हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम धोलावीरा। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम धोलावीरा में रात को आए थे, तो यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले चिपर पॉइंट। सो दोस्तों, अभी हम हमारे रिजॉर्ट से निकल रहे हैं और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं चिपर पॉइंट, जो करीब 30 किलोमीटर है यहाँ से। एक घंटा लगना चाहिए हमें अप्रॉक्सीमेटली। इसमें थोड़ी ऑफ रोडिंग है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मेन रोड से थोड़ा अंदर है, तो फिर आगे मिलते हैं हम। ठीक है, चल मिलते हैं, बाय। या थैंक्स। तो ये खूबसूरत नजारा हमें दिखा, आप देख सकते हैं दोनों तरफ रन है, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ रन तो काफी बड़ा है और बीच से ये रास्ता गुजर रहा है। रियली ब्यूटीफुल। मैं तो अभी कच्छ राइड करके रिटर्न जाऊंगा, बट देन ये मेमोरीज हमेशा मेरे जहन में होगी और याद आती रहेगी, क्योंकि हमने अभी सोचा है कि हम इंडिया का एक एक कोना हम करेंगे बाइक पे। ये सिर्फ शुरुआत है। इनक्रेडिबल इंडिया। हम जा रहे हैं चिपर पॉइंट और वहां पे जाने के लिए थोड़ी ऑफ रोडिंग है, तो यहां से वो स्टार्ट होती है। ये है धोलावीरा का फेमस चिपर पॉइंट, आप देख सकते हो। दिस रियली रियली ब्यूटीफुल। काफी लोग, आप ये देख रहे हैं पत्थर पे, इस पर बैठ के काफी लोग फोटो निकालते हैं, बट मैं नहीं निकालूंगा बिकॉज आई ऑल बी हैव, मेरे पास मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम है और मुझे आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स, सो आई वुड नॉट, मैं नहीं बैठूंगा वहाँ पे। तो ये इतना खूबसूरत है कि क्या बोलूँ मैं, ये जो आपको सामने जो दिख रहा है दैट इज़ नॉट सी, दैट इज़ बेसिकली रन, पार्ट ऑफ रन, रन का पार्ट है ये। तो ये पानी है जो अभी सूखेगा तो वो नमक बन जाएगा। तो गाइस, ये जो
मेन रोड है, मेन रोड से करीबन ये मेन रोड से करीबन 1.5-2 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है और गूगल मैप पे ये आपको पता चल जाएगा बिकॉज नेटवर्क काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ढूंढने में। फिर भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा ताकि आप अगर आप आ रहे हो तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे तो वैसे कोई नहीं बट देन काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। द वर्स्ट पार्ट इज़ जो लोग आते हैं वो अपनी निशानी यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। आप देख सकते हो ये जगह कितनी खूबसूरत है बट दिस इज़ बीन लिटर्ड बाई प्लास्टिक बॉटल्स रैप्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग जो यहाँ पे ये ला सकते हैं, तो भाई खाया अपने बैग में डाला लेके जाओ किसी डस्टबिन में डाल दो, बट कांट हेल्प इट, दिस हैज़ टू चेंज गाइस। अगर आपको इस देश को बदलना है तो पहले ये मानसिकता बदलनी पड़ी इधर के लोगों की। तो गाइस हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे वीडियो के स्टाइल में कुछ चेंज करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस सी यू एट द नेक्स्ट लोकेशन, टाटा बाय बाय।